नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो दोस्तों, बहुत गर्मी है, पसीना पसीने हो रहा है, और आज मैं मेरे पास में है ये पंखा, ये वाला। तो देखिए दोस्तों, ये बिजली का आउटपुट है यहाँ पे जो दिख रहा है वोल्टेज, और ये जो सामने देख रहे हैं यही वो आरओ मोटर है, इसमें पंखुड़ी लगी हुई है। और ये जो देख रहे हैं ये यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, जो कि यूपीएस ख़राब हो चुका है। अब इधर से देखिए, आरओ मोटर का हमने दो छेड़ा निकाल लिया है बाहर, देख सकते हैं। और इसके बीच में यहाँ पे हमने लगा दिया है स्टार डायोड का स्टार, ठीक है। 6 एम्पियर का डायोड है, 4 मैंने लगा दिया है। अगर स्टार बनाना नहीं आता तो कमेंट करेंगे दोस्तों, आपको बता देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है, इसमें हम एसी करंट देंगे। इसको हम स्टेबलाइजर के रूप में यूज करेंगे, इससे वोल्टेज हम कम करेंगे। यहाँ पे देखिए 200-180 से कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ से हम जो है यूपीएस के ट्रांसफार्मर के सहारे हम अपना वोल्टेज जो है 70 से 100 के बीच में रखेंगे। 70 से 100 के बीच में ही ये घूमेगा पंखा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डायोड जो है डीसी बना देता है, और ये यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है इससे हम जो है वोल्टेज कम कर लेते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजर का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आरओ मोटर जो है चलना शुरू हो जाता है। इसमें जो है यूपीएस से 2 छेड़ा निकला हुआ है, देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा वोल्टेज है, एक में कम है, तो दोनों में जो है लगाने के बाद कम और ज़्यादा घूमता है। तो इस तरह से जो है आप भी अपने घर पे आरओ मोटर से डीसी फ़ैन बना सकते हैं। डीसी फ़ैन तो नहीं, ये एसी फ़ैन ही माना जा सकता है, क्योंकि हम इसको जो है बिजली पे घुमा के बता रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट बिजली पे 200-250 जो भी वोल्ट हो घर के बिजली पे ही हम चला सकते हैं। बस शर्त है आपको जो है स्टेबलाइजर लगाना है, चाहे यूपीएस का जिस तरह मैं लगाया हूँ वैसे लगाइए, या फिर आपके पास जो भी स्टेबलाइजर है उससे वोल्टेज कम कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।